So this is a question of series asked by UPSC in their CSET paper of 2015. What is the missing number X in the series? This is the series, right? So हमें this X we have to find out, right? So देखो initially यहाँ से कुछ trend पता नहीं लगेगा, right? So यहाँ से trend पता करते हैं. So 21 and 31. So what is the difference? Plus 10, right? 31, 43 हो रहा है next term. So how much is the difference? Difference is plus 12, right? तो यहाँ पे plus 10, plus 12. तो इससे पहले क्या होगा 10 से? इससे पहले plus 8 होगा, right? So the difference between x and 21 will be plus 8, right? So x कितना हो गया? 21 minus 8, right? 21 minus 8 will be 13. So this will be 13. अभी check कर रहे हैं कि जो answer आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं. If this is 13, right? This is 21. तो यहाँ पे डिफरेंस प्लस 8 का, तो यहाँ पे डिफरेंस 6 का होगा इसके अकॉर्डिंग, राइट? तो ये बात सही है, 6 का होगा 13 आ रहा है ना, और आगे यहाँ पे 10 का होगा, फिर 12 का डिफरेंस होगा, राइट? यही हमने निकाला ना कि यहाँ पे 12 का डिफरेंस है, यहाँ पे 10 का, इसके पहले 8 का, दो दो का डिफरेंस, दो दो का फर्क आ रहा है, राइट? 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 2 12, राइट? सो 6 प्लस 2 8, तो इससे पहले 6 का डिफरेंस होगा, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं 13 माइनस 7 6 का डिफरेंस है, सो 13 इज द राइट ऑप्शन. ओके, सो आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी. सो सी इज करेक्ट आंसर, राइट?